मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको सिर्फ उसका एक टाइटल समझा देती हूँ और उसको कैसे हमने एनालाइज करना है ब्रेक ब्रेक डाउन करना है अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको वो समझाती हूँ बट इस वीडियो में मैंने क्या किया है मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं फॉर द पैराग्राफ ताकि आपको समझने में और ज्यादा ईज हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और उनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट सो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इट दैट नाउ स्पोर्ट

वो एक बिजनेस बनता जा रहा है और प्रोफेशनल्स जो हैं और बिग कंपनीज जो हैं वो स्पोर्टिंग इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं वो ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं आप डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों को ये क्वेश्चन इसके अंदर जो उनको एक टाइप ये वाला आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसमें वो ज्यादातर कंफ्यूज ये रहते हैं कि हमें इससे बोथ साइड लिखना है या वन साइड लिखना है या फिर सेवेंटी थर्टी करना है इसको लिखना कैसे है जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर आपको ज्यादा फर्स्ट करने की जरूरत नहीं है इट्स अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टोड टॉपिक कि आपको अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सारा ही आप पॉजिटिव ओपिनियन अपना जस्टिफाई कर दो कंक्लूजन में समराइज कर दो कि इस ये हमारी जो पॉजिटिव है ये इसके सारा हमारे पास नेगेटिव कुछ है ही नहीं अगर आपके पास सब नेगेटिव ही है तो आप सिर्फ नेगेटिव लिख दो अपने कोई पॉजिटिव लिखो ही मत सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स लिख के दे दो और सब बाद में समराइज कर दो लेकिन जो बेस्ट तरीका है इसको लिखने का वो ये है फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप इसके सारे पॉजिटिव्स लिखो सेकंड बॉडी पैराग्राफ में सारे नेगेटिव्स लिख दो थर्ड बॉडी पैराग्राफ में अपना खुद का ओपिनियन दे दो कि आपको क्या लग रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है और लास्ट कंक्लूजन में अपने ओपिनियन को ही पैराफ्रेज या रीड्रेट कर दो इससे अगर आप अपने डिबेट जो है क्लियरिफिकाई क्लरिफाई कर रहे हो कि पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है बट एंड में हमने जो इसका एक समराइज और समरी निकाली है वो ये है तो हमेशा आपका ऐसे जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही क्लरिफाइड लगेगा कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा अगर आप इसको वन साइडेड लिखते हो तब भी उसमें क्लैरिफिकेशन तो रहती है लेकिन क्या है कि आप एक क्लियर पिक्चर नहीं दे पाते हो एग्जामिनर को कि आपने क्यों क्यों इसको इसको वन साइडेड लिखा है इसके नेगेटिव नहीं है, या फिर इसको कैसे डिबेट लिख सकते हैं जब भी आप ऐसे लिख रहे हो एग्जामिनर वॉन्ट्स टू गेट द मोर आउट ऑफ यू ही बिलीव दैट द पर्सन हु इज गिविंग राइटिंग इन एन एन एस ए ही इज दैट मच ऑफ एन इंटेलेक्चुअल सेंस कि उसको दुनिया की सारी समझ है वो हर चीज को डिबेट के साथ समझ सकता है वो ये जान सकता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका क्या है एंड में उसको समराइज भी कर सकता है तो दैट इज वॉट वी हैव टू टू प्रेजेंट है एग्जाम यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं जो इंट्रोडक्शन देखिए इंट्रोडक्शन में तो देखिए हम इस चीज को पैराफ्रेस करते हैं पहले और इंट्रो की मैंने अपनी काफी वीडियोस में समझाया है कि इंट्रो में कौन से पार्ट्स होते हैं इंट्रो लिखने के लिए हमारे पास पहले होनी चाहिए एक आउटलाइन स्टेटमेंट फिर हम व्यू पॉइंट को पैराफ्रेज करेंगे और उसके बाद आएगा थीसिस अब थीसिस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है बिकॉज ये जो दो पार्ट है ये आप अपने आप पैराफ्रेज कर सकते हो अब इसकी आउटलाइन स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट क्या है यहां अगर देखा जाए कहीं पे भी उन्होंने वो वाले वर्ड्स नहीं लिखे हैं ओपिनियन बिलीव सपोर्ट सजेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो ये जो हमारे पास थ्री स्टेटमेंट्स है ये सिर्फ हमारी है बैकग्राउंड स्टेटमेंट जिसको हम अपनी हुक लाइन की तरह यूज करके पैराफ्रेस कर सकते हैं जब आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ बैकग्राउंड स्टेटमेंट है व्यू पॉइंट नहीं गिवन है तो उस पॉइंट पे आपने क्या करना है आपने सिर्फ बैकग्राउंड स्टेटमेंट को ही पैराफ्रेस कर देना आप व्यू पॉइंट नहीं लिखोगे अपना व्यू पॉइंट भी नहीं दोगे और थीसेस आप यहां पे लिखोगे क्या दिस ऐसे intends to discuss both positive and negative development of this scenario along with my opinion at the end however i feel it is more of a jo bhi aapko lagta hai positive hai ya negative hai ye wali statement bhi maine apni purani videos mein jo hai aapko batayi hui hai aap wo videos ja ke dekh sakte ho agar aapko nahi yaad to so let's see अब मैंने इसके जो positive और negative effects लिखे हैं वो ये देखते हुए दिखे हैं कि sports कैसे uh, effect uh, हो रहा है बिजनेसिस के इन्वॉल्वमेंट से उसका फायदा क्या हो रहा है और उसका नुकसान क्या हो रहा है क्योंकि हमें अगर नेगेटिव और पॉजिटिव लिखना है तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और बिजनेसिस की बात कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं इंक्लूडिंग द बिजनेसेस वो लोग कैसे स्पोर्ट्स को हार्म कर रहे हैं हम उसके बारे में इसमें लिख रहे हैं फॉर इंस्टेंस यहाँ हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने लिखा है वो तो मैंने ये लिखा है कि अगर स्पोर्ट्स एक बिजनेस बनता है अगर उसमें लोगों को काफ़ी अपनी इनकम सोर्स अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आज का सिनेरियो ये है कि जिसमें ज्यादा उनको इनकम होगी वो उस टाइप को बेंड हो जाएंगे तो अगर स्पोर्ट्स एक बिजनेस बनेगा उसके अंदर ज़्यादा बड़ी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगी तो उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी उसकी वजह से क्या है कि जो टैलेंटेड लोग हैं इसको अपने करियर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे अब जैसे कि देखा जाता है कई स्पोर्ट्स इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास प्रोफेशनल्स बहुत कम है तो अगर स्पोर्ट्स को एक अच्छे इनकम सोर्स की तरह देखा जाएगा फ्रॉम द प्लेयर्स तो डेफिनेटली उसके अंदर लोग उसको अपने करियर के लिए चूज करेंगे दूसरी चीज कंपनीज जो है उनको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी अगर हमारे पास स्पोर्ट्स है हमारे पास प्रोफेशनल्स है तो डेफिनेटली उसको स्प्रेड करने के लिए जो कंपनीज उसके अंदर पैसा लगा रही है स्पोर्ट्स में वो अपनी एडवर्टीजमेंट भी कराएंगी अगर एडवर्टीजमेंट कराएंगी तो उसके साथ इनकम जनरेशन होगी इकोनमी बूस्ट होगी तो ये ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट देगा इकोनॉमी को कंट्री को और प्लेयर्स को लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि अगर इसको हम बिजनेस की तरह लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां मैच फिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी जो कि देखा भी जाता है कई बार हम लोग सोचते कुछ है और जीतदा कुछ है तो मैच फिक्सिंग शुरू हो जाएगी जो कि एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है बिकॉज लोग उसके अंदर से पैसा जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और अगर बड़ी कंपनी इन्वॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली वो इन्वॉल्वमेंट लेती है ये सोच के कि उनको एक प्रॉफिट जनरेशन मिलेगा तो उस प्रॉफिट जनरेशन के लिए वो मैच फिक्सिंग भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अनएथिकल मीन्स का यूज करना शुरू हो जाएंगे वो लोग अनएथिकल मीन्स हम सबको पता है क्या होते हैं आप उसको डिफाइन कर सकते हो अपने ऐसे में कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो बिग कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट से स्पोर्ट्स में आ सकती है ओपिनियन मेरा ये था कि जो नॉन एथिकल गेम्स हैं वो सफर करेंगी अब नॉन एथिकल गेम्स यहाँ पे वो हो जाएंगी जो पॉपुलर नहीं है जो जो हमारी एक लो लेवल की गेम्स देखी जाती हैं उनको सफर होगा जैसे कि अगर हम देख लें कबड्डी जो है उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंडिया में बैडमिंटन जो है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये वाली गेम्स जो है सफर करेंगे बिकॉज जिन स्पोर्ट्स में बिजनेसिस uh, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी उनके पास ज्यादा प्रोफेशनल्स होंगे लेकिन जो स्पोर्ट्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है फाइनेंशियली फ्रॉम बिगर कंपनीज या एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस वो सफर कर जाएंगी तो ओवरऑल देखा जाए इट्स अ

आई होप आपको ये सारा ऐसे का पैटर्न लिखना कैसा है पॉइंट्स कैसे बनाने हैं ये सब आपको समझ आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने सारे डाउट्स क्वेरीज आपशन कीजिएगा बिकॉज आई ट्राई एन आंसर एवरी क्वेरी दैट आई गेट ऑन द कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो वीडियो हेलो फ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू इट डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच